बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को नहीं मिला बक्सर से टिकट। हाल ही में डीजीपी के पद से इस्तीफा देकर जेडीयू में शामिल हुए थे। एनडीए गठबंधन में बक्सर सीट बीजेपी के हिस्से में। बीजेपी ने परशुराम चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया। जेडीयू ने 115 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लिस्ट जारी। लालू यादव के समधी और तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय को जेडीयू ने छपरा की परसा सीट से उतारा। इसी सीट पर आरजेडी से जीते थे। महुआ में जेडीयू की उम्मीदवार आसमा परवीन होंगी। निवर्तमान विधायक तेज प्रताप इस बार महुआ की जगह हसनपुर से लड़ेंगे। मोकामा में आरजेडी के आनंद सिंह के खिलाफ जेडीयू ने राजीव लोचन को उतारा। नालंदा से संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार लड़ेंगे। अतरी से मनोरमा देवी लड़ेंगे चुनाव। गया के चर्चित रोडरेज मामले में बेटे को मिल चुकी है मर्डर की सजा। दिनारा से उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह को दोबारा टिकट मिला। राजपुर से परिवहन मंत्री संतोष निराला चुनाव लड़ेंगे। नालंदा के अस्थावा से जितेंद्र कुमार को टिकट मिलने पर भड़के जेडीयू कार्यकर्ता। पटना में पार्टी कार्यालय में हंगामा। आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए 42 नामों की घोषणा की। 42 में से 9 कैंडिडेट यादव समाज से। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह को दोबारा टिकट मिला। दिनारा से विजय मंडल और मोहनिया से संगीता देवी आरजेडी सिंपल पर चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने जमुई से श्रेयसी सिंह के खिलाफ विजय प्रकाश को मैदान में उतारा। सासाराम से आरजेडी ने विजय गुप्ता को बनाया कैंडिडेट। डिहरी से फतेह कुशवाहा होंगे उम्मीदवार। पहले फेज के लिए कांग्रेस ने भी जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 21 कैंडिडेट्स मैदान में उतारे। 21 उम्मीदवारों की लिस्ट में 15 सवर्ण, 4 दलित उम्मीदवारों को भी मिला मौका। बक्सर से कांग्रेस सीट पर लड़ेंगे संजय तिवारी। करगहर से संतोष मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। चैनपुर से प्रकाश सिंह कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किया प्रोटेस्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप, पार्टी इंचार्ज ने केवल परिवार के सदस्यों और कठपुतलियों को टिकट दिया। बिहार बीजेपी को एक और झटका, रामेश्वर चौरसिया एलजेपी में शामिल। बीजेपी नेता उषा विद्यार्थी ने बदला पाला, चिराग पासवान की मौजूदगी में एलजेपी में शामिल हुई। बीजेपी ने वीआईपी को अपने कोटे से 11 सीटें दी। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया ऐलान। गया की मामगंज सीट से हम उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने नामांकन भरा। आरजेडी के उदय नारायण चौधरी से होगा मुकाबला। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी, पूर्णिया हत्याकांड में अपने खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल से मिली आजादी, 28 दिन बाद जेल के बाहर आई। रिया के वकील सतीश माने शिंदे बेल ऑर्डर की कॉपी लेकर भायखला जेल पहुंचे थे। कागजी कार्रवाई पूरे होने के बाद रिया की रिहाई। ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से रिया को मिली सशर्त जमानत, 1,00,000 के मुचलके पर बेल मिली। रिया को पासपोर्ट जमा कराना होगा, मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। रिया के भाई शौविक की जमानत अर्जी खारिज, शौविक को अभी जेल में ही रहना होगा। बासित परिवार को भी बेल नहीं। नीपेश और सैमुअल मिरांडा को बेल मिली, ड्रग्स केस में जमानत। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा, नई फॉरेंसिक टीम बनाने के लिए सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी। विकास सिंह का आरोप, एम्स ने रिपोर्ट बनाने में लापरवाही की। एम्स को कूपर हॉस्पिटल पर एक्सपर्ट ओपिनियन देनी थी। विकास सिंह ने कहा, डॉक्टर ये बता सकते हैं कि फांसी लगने से मौत हुई, लेकिन किसी को बेहोश करके भी लटकाया जा सकता है। सुशांत के परिवार के वकील ने कहा, अगर सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो कोर्ट से कर सकते हैं न्यायिक जांच की मांग। रिया को जमानत मिलने पर विकास सिंह ने कहा, नारकोटिक्स मामले में मिली बेल कमजोर केस था। रिया के वकील सतीश माने शिंदे का एनसीबी पर आरोप, कहा गलत तरीके से फंसाया। सतीश माने शिंदे ने कहा, बाकी लोगों को भी जल्द जमानत मिलेगी, हाईकोर्ट की शर्तों को मानेंगे। सुशांत केस में बड़ा खुलासा, सीबीआई ने भी माना सुशांत ने खुदकुशी की थी। एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट में भी सुसाइड का दावा, सीबीआई ने एम्स की रिपोर्ट पर मोहर लगाई। सुशांत केस में सीबीआई को सीन के रिकंस्ट्रक्शन में मर्डर के सबूत नहीं मिले। बैंक खातों की जांच में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। सुशांत के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं, जहर दिए जाने के भी कोई प्रमाण नहीं। सुशांत को बेहोशी की कोई दवा नहीं दी गई। डबल श्योर होने के लिए सीबीआई ने एम्स से जांच कराई। सीबीआई की जांच में सुशांत को उकसाने के लिए रिया के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। आर्थिक फायदे के लिए सुशांत का इस्तेमाल नहीं किया। मथुरा से पकड़े गए पीएफआई के 4 सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। यूपी पुलिस के मुताबिक जस्टिस फॉर हाथरस नामक वेबसाइट से जुड़े हैं सभी 4 आरोपी। 5 अक्टूबर को चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्टर और सामान मिले। यूपी में जातीय दंगे फैलाने की फंडिंग हुई, करीब 100 करोड़ की फंडिंग, 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से भेजे गए। दंगा भड़काने में इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट के जरिए फंडिंग हुई, कई विदेशी अकाउंट्स की जानकारी मिली। हाथरस केस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा हाथरस में साजिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। योगी ने कहा, प्रदेश में विकास विपक्ष को पसंद नहीं, गरीबों की लाश पर राजनीति करने वालों को पहचानना जरूरी। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी को मिली और 10 दिन की मोहलत। 30 सितंबर को हुआ था एसआईटी का गठन। हाथरस पीड़िता के गांव से गई एसआईटी टीम, 16 अक्टूबर को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई, घर के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। हाथरस मामले को लेकर 510 लॉ स्टूडेंट्स ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की अपील। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ हाथरस में केस दर्ज, कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद गए थे हाथरस। कुलदीप कुमार के खिलाफ कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने और दूसरों की जान के लिए खतरा बनने की धाराओं में मुकदमा दर्ज। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साधा राहुल पर निशाना, पूछा रेप की घटनाओं के बाद राजस्थान क्यों नहीं गए। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग को अगवा करके जांगरी, पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में, अब तक आरोपियों का सुराग नहीं। यूपी के बदायूं में 5 साल की बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार, चाचा पर भतीजी से रेप का आरोप।
गुरुवार को कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना इफेक्ट कम करने के लिए प्रधानमंत्री की पहल। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार 20 साल तक सार्वजनिक पद पर बने रहने के लिए बधाई दी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मोदी सरकार में विदेशों से संबंध बेहतर हुए। नेचुरल गैस मार्केटिंग सुधार को कैबिनेट से मिली मंजूरी। जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता घटी। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 8,575 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे बोर्ड ने 39 नई ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी। रेलवे जल्द शुरू करेगा सर्विस। इस दिवाली में चीन का दिवाला निकलेगा। चीन से आने वाली लड़ी और झालरों के लिए नियम सख्त। लड़ी और झालरों के आयात के लिए सरकार ने बनाए नियम। आयात किए गए सामान की आकस्मिक जाँच होगी। नए मानकों पर खरा नहीं उतरने पर वापस भेजा जाएगा सामान। वापस न ले जाने पर सामान को नष्ट कर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केजरीवाल सरकार को चिट्ठी लिखी, प्रदूषण पर कंट्रोल के लिए कदम उठाने को कहा। शोपिया एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान हुई। हिजबुल मुजाहिदीन के सज्जाद अहमद और अल बदर के जुनैद वानी और वसीम अहमद के तौर पर पहचान हुई। हिमाचल में अटल टनल जाने वालों को करना होगा सख्त नियमों का पालन। कुल्लू के डीएम ने जारी किए निर्देश। टनल से 200 मीटर के दायरे में फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर होगी पाबंदी। टनल के अंदर भी पूरी तरह रोक। जयललिता की सहयोगी शशिकला की संपत्ति पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा। 2,000 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। आयकर विभाग ने पटना, सासाराम और वाराणसी में मारा छापा। अवैध खनन और होटल माफिया पर कसी नकेल। 75 लाख नकद बरामद। असम एसआई पेपर लीक मामले में पूर्व डीआईजी पीके दत्ता की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 6 दिन के सीआईडी की कस्टडी में भेजा। 50,000 का इनामी बदमाश हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार। देसी पिस्टल बरामद। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट जारी। एक दिन में 72,049 लोग पॉजिटिव। देशभर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी आई कमी। एक दिन में 986 मौतें। भारत में कोरोना के रिकवरी रेट की में हुई बढ़त। 84% पर पहुंचा। अब तक 56 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के 2,871 नए केस। 24 घंटे में 35 की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 14,578 मामले। 355 की मौत। कुल 2,44,000 एक्टिव केस। महाराष्ट्र पुलिस में एक दिन में 132 पुलिसकर्मी संक्रमित। 4 की मौत। यूपी में कोरोना के 3,561 नए केस। 47 और लोगों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 1,304 लोग संक्रमित। 12,500 से ज्यादा एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 3,455 लोग संक्रमित। 58 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 2,995 नए मामले। राज्य में अब तक कोरोना से 2,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। राजस्थान में आज 2,151 लोग कोरोना की चपेट में आए। राज्य का कोरोना ग्राफ 1.5 लाख के ऊपर गया। कर्नाटक सरकार ने मास्क न लगाने पर फाइन घटाया। अब शहरी इलाकों में 250 और ग्रामीण इलाकों में 100 रुपये जुर्माना लगेगा। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना से 9,993 लोग संक्रमित। 91 की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,447 केस। 67 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 5,120 लोग संक्रमित। अब तक 7 लाख से ज्यादा केस। तेलंगाना में 2,154 नए कोरोना मरीज। राज्य का कोरोना मीटर 2,04,748 पर पहुंचा। केरल में कोरोना के 10,606 नए मामले। राज्य में 92,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल के ऊर्जा मंत्री MM मणि कोरोना पॉजिटिव। तिरुवनंतपुरम हॉस्पिटल में एडमिट। UNHCR कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी को हुआ कोरोना। हल्के लक्षण के बाद जांच कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नेपाल में लगातार बढ़ रहे मामले। 3,439 नए केस। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज के नामों का ऐलान। इमैनुअल कार्पेंटियर और जेनिफर डडना को जिनोम पर रिसर्च के लिए मिला पुरस्कार। सेंसेक्स में 304 अंकों का उछाल। निफ्टी में भी 76 पॉइंट्स की बढ़त। सेंसेक्स 39,878 पर बंद। यूएस डॉलर की तुलना में 13 पैसे मजबूत हुआ रुपया। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 73.33 रुपये। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ बैठक की। ओलंपिक की तैयारियों पर की चर्चा। और बबीता फोगाट ने हरियाणा खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पद से दिया इस्तीफा।